देखिए, ये जो सिचुएशन आप देख रहे हैं अभी वैली में, ये यहीं की नहीं है, पूरे भारत में आपको अच्छे से पता है कि इस पे कुछ ट्रांसपोर्ट यूनियन ने स्ट्राइक कॉल की थी, जो आप ही के माध्यम से मुझे भी पता चला था। और आपके माध्यम से मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ कि मेरे पास इस समय वैली में जो लास्ट ईयर जो होता था स्टोरेज कैपेसिटी, वो पेट्रोल डीजल की मेरे पास 2 हफ्ते की हुआ करती थी। और पिछले साल हमने कुछ एडिशनल इसमें इजाफा किया। गैस से रिलेटेड हमने अनंतनाग में भी नई, आपको पता है, बॉटलिंग प्लांट स्टार्ट किया था। उससे मेरे पास आज की डेट में 21 दिन का तो डीजल मौजूद है, जो मेरी रिक्वायरमेंट है, 24 दिन का पेट्रोल मौजूद है, 21 दिन से ज़्यादा मेरे पास गैस सिलेंडर मौजूद है, केरोसिन मेरे पास मौजूद है, खाने पीने के सारी चीज़ें मेरे पास मौजूद है। तो वैली में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है ट्रांसपोर्ट स्ट्राइक हुई है, तो मेरे जो डिपोज में जो मेरा डीजल पेट्रोल जो लगा है, उसको जो ट्रांसपोर्ट करते हैं रिटेल आउटलेट्स तक, वहाँ इन ट्रांसपोर्टरों को ऑयल कंपनीज के साथ इनका समझौता रहता है, तो उसमें ये लोग नहीं कर रहे हैं। पूरी एडमिनिस्ट्रेशन इस पे लगी हुई है, डिफरेंट लेवल्स पे उनके साथ मीटिंग हो रही है। आप ये तो मानेंगे कि ये मुद्दा केवल जम्मू कश्मीर का नहीं है, पूरे देश में उन लोगों ने स्ट्राइक कॉल की है, तो इसको अप्रोप्रिएट लेवल पे देखा जा रहा है। आपके माध्यम से सिर्फ मैं इतना ही कह सकता हूँ कि पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम इस तरह से करते हैं, तो कहीं ना कहीं किसी की नाजायज डिमांड को हम सपोर्ट भी करते हैं। जायज है नाजायज है, मैं उस पर कॉमेंट अभी नहीं करना चाहता, बट इतना है कि पैनिक ना करें, हमारे पास सफिशियंट स्टॉक अवेलेबल है और ये मिल जाएगा। सर, आपने जो सुबह स्टेटमेंट दिया था कि स्ट्राइक का तो कश्मीर पे कोई इंपैक्ट नहीं होगा, एक उस पे हमने ग्राउंड जीरो पे देखा था, अभी जो पेट्रोल पंप है वो तो ऑलरेडी फंक्शन नहीं कर रहे हैं, वो बंद पड़े हैं, तो हाउ डू यू देखिए, जब आपके पास जो पेट्रोल में जो कैपेसिटी होती है उनके टैंक की, वो लिमिटेड होती है। मैंने आपको कह रहा हूँ कि मेरे पास बेमिना में जो स्टोरेज है वो सफिशियंट वहाँ अवेलेबल है। जैसे ये स्ट्राइक खत्म हो जाएगी, इसको तुरंत, मतलब समय नहीं लगेगा, मिनटों में पेट्रोल पंप पे आ जाएगा और वहां से ले लेंगे। अब अगर हर कोई होर्ड करने लग जाएगा, उसको लेके मतलब स्टोर करने लग जाएगा, जो गाड़ी चलती भी नहीं है उसमें भी भरने लग जाएगा, तो फिर तो आप कितना लेके आएंगे, शायद वो भी कम पड़ जाएगा। तो पैनिक या घबराने की जरूरत नहीं है, ये इसमें सपोर्ट कीजिए, इसमें ऐसी कोई सर, प्रॉब्लम इसमें नहीं जो है। स्ट्राइक है ये 3 डेज की है, डज इट मीन कि ये 3 दिन इसी तरीके से पेट्रोल पंप यहाँ बंद रहेंगे नहीं वैली में? भाई, देखिए, जो मुझे बताया गया है, ये आज उसका सेकंड डेज बताया गया मुझे, और कल इसका जो तीसरा दिन है। बट हालांकि इस पे ऑलरेडी मीटिंग्स उन यूनियन के साथ भी और अप्रोप्रिएट लेवल पे कर रहे हैं, केंद्र लेवल पे भी शायद कर रहे होंगे, और एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे भी। सेक्रेटरी फूड एंड सिविल सप्लाई भी इसको बहुत क्लोजली इसको मॉनिटर कर रहे हैं। तो ये केवल कश्मीर वैली का नहीं, जम्मू हर जगह का ये मुद्दा है। अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, पैनिक मत होइए, देयर इज सफिशिएंट स्टॉक्स अवेलेबल इन द वैली। जैसे ये स्ट्राइक खत्म होगी, इसमें हो जाएगा। साथ के साथ जो हमारी इमरजेंसी सर्विस है, हम उनके लिए भी इनसे बात कर रहे हैं कि कम से कम हॉस्पिटल्स या और कोई एस्टेब्लिशमेंट ऐसी होगी जो प्रॉब्लम में ना आए, उनकी कम से कम ना रोके। चिल्ले कलां चल रहा है, इन लोगों को भी समझना चाहिए कि ये जो मौका है, इतनी सर्दी का मौसम चल रहा है, बहुत हमें हीटिंग की रिक्वायरमेंट होती है, इलेक्ट्रिसिटी हमारे जब आती है तो उसके बाद हमारे हॉस्पिटल्स में के डीजी सेट्स भी है और जगह है, डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट्स है, तो काफी सेंसिटिव एरिया है। तो उसमें आपके माध्यम से उनसे भी रिक्वेस्ट है, कम से कम उस चीज को भी ध्यान में रखना चाहिए। आपको अपना पॉइंट बताना है, आई थिंक दे हैव ऑलरेडी कन्वेड देयर पॉइंट एट द अप्रोप्रिएट लेवल, नाउ देयर इज नो पॉइंट इन टेकिंग इट फर्दर। शुक्रिया। एज ऑफ नाउ आई हैव नॉट रिसीव्ड एनी ऑफ द कंप्लेंट कि दे आर आउट ऑफ फ्यूल, बट एज आई सेड वी आर ऑलरेडी इन टच विद देम आल्सो विद द हॉस्पिटल स्कीम्स एंड ऑल द हॉस्पिटल यूनिट्स एंड वी आर इन टच विद दीस पीपल आल्सो एंड विल मेक आउट। इमीडिएटली आफ्टर दिस सो कॉल्ड स्ट्राइक इज कॉल्ड ऑफ, इमीडिएटली द पेट्रोल विल बी अवेलेबल देयर। इज देयर एनी एक्सपेक्टेशन दैट द स्ट्राइक कॉल विल एंड टुमारो? Yeah, I am hopeful. Maybe even today evening, or maybe tomorrow. I mean, I'm quite hopeful. Are you in touch with some of the associations? See, your office. You see, these associations, their headquarters, their president, and all this sits in Jammu, and then they always cite that it's a national wide, so they sit somewhere else. So it's already, but you can't pinpoint who is the actually responsible person. That is the problem. Okay.
शुक्रिया भाई।